अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इडली के साथ बनाने वाला सांभर। ये सांभर बहुत जल्दी और एकदम झटपट बन जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस सांभर के लिए। हमें ना कोई दाल ना कोई सब्जी, बस किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है और ना तुअर दाल की ज़रूरत है, बस ऐसे हम भुने हुए चने की दाल से इसको बनाएंगे। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक छोटे साइज़ का प्याज है, दो टमाटर है, ये सौंफ और ये लहसुन और ये एक बोल इतना भुने हुए चने की दाल। अब मैं ये सबको एक साथ मिक्सर में डाल के हम इसको एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं पीसेंगे, एकदम बारीक एकदम सॉफ्ट पेस्ट होना चाहिए इसका। इसमें एक गिलास पानी डाल के पीसने के लिए रख देंगे हम लोग। ये देखिए, ये मैं गिलास से ये एक गिलास डाल के हूँ पानी। ये देखो, अब मैं पीसने के बाद आपको दिखा रही हूँ, ये एकदम बारीक पीस ली हूँ मैं। बस अब इसको पीसने के बाद ये जितना भी सब ढक्कन में था मसाला, ये सब मैं इसको पानी डाल के मिक्स करके सब उसी में ही वापस डाल दूँगी, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी एक कढ़ाई में या एक बर्तन, जो भी आप जिसमें भी बनाना चाहते हैं कुछ भी रख लीजिए, उसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच जितना तेल, बड़े चम्मच के हिसाब से। ये देखिए, ये 2 चम्मच तेल है। अभी तेल को गर्म होने दूँगी मैं। तेल को गर्म होने के बाद गैस को थोड़ा स्लो करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी राई, ज़ीरा, ये हाफ ऑफ स्पून है, हाफ स्पून राई हाफ स्पून ज़ीरा डाल के थोड़ी देर इसको तेल में भूनने देंगे राई ज़ीरे को। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता, 8-10 पत्ते कड़ी पत्ते के समझो। और ये एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको मैं एकदम बारीक बारीक और ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट के ली हूँ। बस इसको भी थोड़ा प्याज को भी भून लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं लाल होने देंगे प्याज को। बस जैसे थोड़ा ये प्याज नरम हो जाएगा तो जो भी हम मिक्सर में पीस के रखे वो मसाला मैं कैसे डालने का दिखाती हूँ आपको। देखिए, बस थोड़ी देर इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और मिर्ची 1 स्पून। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे हम हल्दी मिर्ची डाल के एक ही बार बस इसको इस तरीके से हिलाते साथ ये सारे मसाला जो हम मिक्सर में पीस के रखे थे इसको डाल देंगे, नहीं तो हल्दी मिर्ची हमारा जल जाएगा तेल में। इसलिए जैसे एकदम डाल के हिलाते साथ अब मैं इसमें डाल दी। अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, मिक्सर में जितना भी मसाला बचा था मैं उसी में पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके ये देखो डाल रही हूँ इसमें पानी। अब थोड़ा ज़्यादा ही डालिए कि जब हम लोग ऐसा मिला के देखेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत पतला है बोल के, क्योंकि ये पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है। इसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी पहले हम पतला ही रखेंगे। डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखो ये अभी कितना पतला दिख रहा ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से पतला रहना चाहिए क्योंकि ये पकने के बाद बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए आप इसमें पानी ज़्यादा डाल के पकाइए। और ये सांभर, एक तरफ सांभर पक रहा था तो मैं साथ में इडली की भी तैयारी कर रही थी। तो ये इडली के लिए ये घर का ही आटा है हमारा, कोई भी रेडीमेड आटा नहीं है। तो मैं इसमें नमक और बेकिंग सोडा डाल के बस इसको अच्छी तरीके से पानी डाल के बैटर को पतला कर रही थी। ये बहुत गाढ़ा था तो इडली के हिसाब से जितना पानी चाहिए मैं वो हिसाब से इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर रही थी। ये सांभर बहुत जल्दी बन जाता है अगर आप फास्ट गैस में रख के इसको पकाएंगे तो, बस ये 10 मिनट में भी आपका फटाफट पक जाएगा। या आप स्लो में रख के पकाना चाहे तो भी इसको 10 या 15 मिनट में ये स्लो के धीमे आंच में पक जाता है। एक साइड हमारा इडली पकता रहेगा और एक साइड अपना सांभर भी फटाफट एकदम झटपट रेडी हो जाएगा।
देखो सांभर अभी ऐसा उबलने के लिए आ गया था, मतलब अच्छे से ये पक रहा था, तो इसको बीच बीच में हिला हिला के थोड़ी देर पकने के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे हम लोग। ये मीडियम आंच पे है, ज़्यादा स्लो नहीं है मेरा गैस। अभी मैं इसको स्लो रख के थोड़ी देर इसको मैं मीडियम आंच पे रख के पकाई, उसके बाद अब मैं इसको स्लो रख के थोड़ी देर और पकने के लिए दूंगी। और इसमें डाल देंगे हम लोग हरा धनिया। पहले थोड़ी देर इसको गैस को फास्ट रख के पका लेंगे, जब इस तरीके से पकने आने के बाद फिर मैं इसको ऐसा स्लो में रख के पका दूंगी। जब तक ये स्लो में पकते रहेंगे तब तक हमारा इडली भी पक के रेडी हो जाएगा। और नमक को अगर आप चखना तो इस पॉइंट पे आप नमक भी चख के देख सकते हैं, अगर कम रहा तो आप इस पॉइंट पे डाल भी सकते हैं नमक। और ये इडली की तैयारी, एक साइड में इडली भी डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को इडली और इडली डोसे का बैटर किस तरह बनाते हैं घर में वो भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं एकदम आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कि एकदम सॉफ्ट और स्पंजी जैसा इडली किस तरीके से बनाते हैं घर में, उसका बैटर किस तरीके से बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी मैं घर में किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट्स कीजिए आप लोग, तो घर में इडली डोसे का बैटर बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगी। और ये जो इडली है ना बनने के बाद इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट था कि पूछो ही मत, बच्चे भी एकदम शौक से खा रहे थे। और ये सांभर भी एकदम झटपट, इडली जितनी देर में पक जाता तो इसी हमारा सांभर भी रेडी हो जाता है फटाफट। तो आप लोग भी इसको ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिए। ये देखिए अभी मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये कितना गाढ़ा है, ये देखिए बस इतना रहेगा तो फिर हम लोग इसको गैस बंद कर देंगे। ये पक गया था, आप लोग इसको थोड़ा बीच में ना चक्के देखिए, अगर वो भुने हुए चने की दाल की इसमें खुशबू नहीं आ रही है तो मतलब पक गया है, तो सांभर का उसमें खुशबू आना चाहिए। और जो सौंफ डाल के पीसते हैं तो सौंफ से भी उसका एकदम अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाता है। और ये हमारा इडली भी एकदम गरम गरम पक के रेडी हो गया था। मैं चेक कर रही थी चाकू से चेक कर रही थी, इसमें कोई भी कच्चा आटा नहीं लगा था, मतलब पक गया था। तो बस अब मैं इसको बंद करके निकाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर ये सांभर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। जल्दी जल्दी सब इंग्रेडिएंट्स मिक्सर में डाले, पीसे और एक साइड में तड़का लगा दे, बस सांभर अपना पकते रहता है और तब तक इडली भी हमारा रेडी हो जाता है। और ये बहुत अच्छा भी लगता है, बना के एक बार ट्राई कीजिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये सांभर। देखिए अभी इडली एकदम गर्म है, किस तरीके से धुआं भी आ रहा था। देखिए मैं इडली भी निकाल ली थी और सांभर को भी निकाल ली थी, तो बस अभी मैं आपको सांभर इडली में डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए तेल में जो हमने हल्दी मिर्ची डाला था उससे ये सांभर का कलर कितना अच्छे से आया, एकदम मस्त लग रहा है ना देखने से सांभर का कलर। और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। तब तक के लिए पकाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़।